हे गाइस वेलकम बैक। तो आप यहां पे देख सकते हो हमारा DIY फिश पॉन्ड हो चुका है बिल्कुल पहले जैसा क्लीन। एंड यहां के सभी फिश हमने रात के टाइम निकाल लिए थे क्योंकि यहां पे हो रही थी काफी ज्यादा तेज बारिश। और हमारा प्लांट भी देख सकते हो आप बारिश में ये बिल्कुल खराब हो चुका है। ये पहले काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा था बट अब ये बिल्कुल रुक चुका है अपनी ग्रोथ पे। तो चले जल्दी से लेकर आते हैं हमारे मोलिश एंड इनको करते हैं यहाँ पे जल्दी से रिलीज। तो ये रहे भाई हमारे मोलिश। तो इनको मैं यार दोबारा से DIY फिश पॉन्ड के अंदर इसीलिए शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने यहाँ से रात के टाइम जंप कर दिया था। तो मैं इनको टैंक में रखूंगा तो ये वहां से भी पक्का डेफिनेटली जंप करेंगे। तो दो फिश यहाँ पे हमें नहीं मिल पाए हैं जिन्होंने जंप किया था और बाकी तो यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हो आपके सामने है। तो चले जल्दी से मैं इनको पहले पकड़ लेता हूँ, देन आपको दिखाते हैं फिर सभी के सभी फिश। तो चले निकालते हैं भाई। और यहाँ पे देख सकते हो भाई पहले एक स्कूप देखते हैं कौन कौन से फिश हमारे आते हैं। तो ये देख सकते हो भाई कितने ज्यादा कलर इनके अच्छे हैं। तो यार ये हमारा शॉर्टटेल फिश है तो इसकी सारी की सारी फीमेल्स ने बाहर जंप कर दिए थे तो सिर्फ यही रहा हमारे पास मेल ही। तो इसके लिए भी लाना पड़ेगा कुछ ना कुछ यार क्योंकि अकेला सिर्फ मेल हम क्यों इसको रखने वाले हैं फिर। तो चले मैं इन सभी को निकाल लेता हूँ पहले। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो भाई हमारे मोलिस कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और अगर यहाँ पे वाइट कलर वाले भी होते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते। तो मैं यही आपको आज बताने वाला था कि मैं कल यहाँ के लिए वाइट मोलिस खास कर लाने वाला हूँ क्योंकि भाई ने कहा कि उनके पास स्टॉक आ चुका है मोलिस का तो हम वो उठाने वाले हैं जाके। एंड यहाँ पे आपको मैं कल दिखाने वाला हूँ ढेर सारे न्यू वाइट मोलिस। मुझे और भी पसंद आएंगे तो मैं वो भी लेकर आऊँगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये रही हमारी बैलून मोली। तो सिर्फ ये एक ही है हमारे पास तो बैलून मोली और ज़्यादा नहीं है। तो मैं हो सके तो बैलून मोलीस लाने का ट्राई करूँगा। तो इसका आपको मेल भी दिखाते हैं भाई पकड़ के। मेल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका देख सकते हो। इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यार देखे। तो ये है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव। तो चले इनको जल्दी से एक्लिमेशन के लिए छोड़ते हैं अब। तो इनको छोड़ते हैं भाई यहाँ पे एक्लिमेशन के लिए एंड देन फिर मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। सो फाइनली इनके 15 मिनट्स हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब निकालते हैं जल्दी से हमारे फेवरेट वाले फिश को बाहर। इसको सबसे पहले छोड़ते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखें भाई ये भी काफ़ी जल्दी बर्थ करने वाली। तो इसके बेबीज जो हैं थोड़े से अच्छे आएंगे मिक्स में आएंगे बट बैलून मोली की तरह होंगे वो। तो चले अब बाकी को भी डाल देते हैं देख सकते हो। और हमारा बेटा फिश भी यहाँ पे है तो ये भी मेल है यार। फीमेल ही नहीं मिल रही मुझे यार, कहाँ से लाऊँ मैं फीमेल ढूंढ के अब। तो बाकी आपने मुझे बताना है कि यहाँ के लिए मैं मोली से लाऊँ सिर्फ या फिर गपी से लाऊँ या फिर आप जो भी बताओगे मैं अब वो ही लेकर आऊँगा क्योंकि मेरे अभी दिमाग में कुछ इतना खास आइडिया नहीं आ रहा है। एंड साथ ही में आपसे मैं हमारे सिकले टैंक के बारे में पूछने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पे भी हमारा जो आपने उसका फिश देखा होगा वो भी अकेला हो चुका है तो उसके लिए तो पार्टनर लाना पड़ेगा। एंड साथ में यहाँ के लिए मैं फ़िश ले आऊँगा तो वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि यहाँ के लिए हम कौन कौन से फ़िश लेकर आएँ क्योंकि यार यहाँ पे देख सकते हो आप थोड़ा सा दोबारा से खाली दिख रहा है तो इसको जल्दी से भरना है हमने। एंड अब चलते हैं भाई हमारे सिकलेट फिश टैंक की तरफ क्योंकि उसके लिए भी आपने मुझे पार्टनर बताना है डिसाइड करके। तो ये रहा भाई हमारा सिकलेट वाला टैंक एंड यहाँ पे रहा हमारा मॉन्स्टर फिश। ये मॉन्स्टर तो नहीं है अभी बट आने वाला मॉन्स्टर ही है। तो इसका साइज आप देख सकते हो ये है काफ़ी ज़्यादा बड़ा जिसकी वजह से इसने जाइंट गोरामी को भी कल बहुत ज़्यादा पीटा है तो यहाँ से वो भी जा चुकी है। तो ये शायद यहाँ पे अकेला रहना चाहता है या फिर इसके साथ हम कोई इसी के तरह का पार्टनर ऐड कर देंगे। तो मैं वैसे सोच रहा हूँ कि इसके साथ एक बड़े साइज का पैरेट फिश ऐड करें क्योंकि अलग वेराइटीज़ के होंगे तो ज़्यादा फाइट नहीं करेंगे। अगर उसका ही रखूँगा मैं तो काफ़ी ज़्यादा फाइट करेंगे। और ये रही हमारी कैटफिश जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना यार कि इसके लिए हम कौन सा फ़िश ला कर छोड़ें इसके साथ, ओस्कर ही रखें इसी के साइज़ का या फिर इसके साइज़ का पैरेट फिश लेकर आएँ। तो वो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना है। एंड बाकी तो मोलीस तो मैं वैसे भी लाने वाला हूँ तो उसके बारे में भी आप मुझे बता ही सकते हो। तो इसके लिए तो आपने कन्फर्म मुझे कमेंट करना है कि यहाँ के लिए हमने कौन सा फ़िश ऐड करना है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे पूछ के यहाँ पर फ़िश ऐड करने वाला हूँ। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चले फिर यहीं पे करते हैं आज की हमारी इस छोटी सी वीडियो का एंड। मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।